के सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाले पुष्पराज कॉलोनी में शनिवार और रविवार की रात गुप्ता शादी घर में हुई तोड़फोड़ और एक दर्जन परिवारों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखे जाने की घटना पर कार्रवाई हुई। घटना के जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों पर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने कार्रवाई करते हुए डायल 100 के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सुभाष सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो वहीं कोतवाली थाने से महज 1.5 किलोमीटर दूर हुई इस घटना की जानकारी न होने पर थाना पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आई और इसे मानते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एसएम उपाध्याय एसआई खुमान सिंह सहित रात में ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक मैरिज हॉल पे कब्जा करने का प्रयास किया गया। सुबह लगभग 6 बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के सभी सीनियर अधिकारियों ने मौके पहुँच के कार्रवाई की है। इसमें जिन लोगों ने तोड़फोड़ करके कब्जा किया है उनके विरुद्ध में डकैती की धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 2 JCB डंफर और 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पूरे केस में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था डकैती की धाराओं में। उनको आज न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। 6 बजे की सूचना पर 100 डायल के प्रभारी अधिकारी गए थे। उनके द्वारा एक संवेदनशील घटना की सूचना थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों को नहीं दी। उनकी लापरवाही पाई जाने से उनको निलंबित किया गया है। इस संबंध में रात्रि गश्त में जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिली। इस संबंध में भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।